चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 5.75 मोर देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30% देन एट वट प्राइस शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट 20%। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास एक वस्तु थी, उस वस्तु को वो क्या कहता है 12% के प्रॉफिट पे क्या करता है बेचता है। यदि वो उसे 10% कम में खरीदता और 30% के प्रॉफिट में बेचता तो उसे जो है वो 5.75 रुपये अधिक मिलते। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उस वस्तु का अगर वो 20% के लाभ पे बेचे तो कितने बेचेगा। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य 100 रुपये है, अब वो उसे बेच रहा है कितने पे, आपका 12% प्रॉफिट पे, यानी इसका 12% यानी 12 रुपये, यानी वो बेचेगा उसे 112 रुपये में। वो कहता है कि उसने उसे कम में खरीदा, कितने 10% कम में खरीदा, तो इसका 10% निकालेंगे और 10% यहाँ लिखेंगे तो 90 रुपीज़ में उसे खरीद के लाया। फिर वो अगर उसे 30% के प्रॉफिट बेचता है तो 90 का आप निकालोगे 30% यानी 130/100 करेंगे तो 13 × 117, यानी कि वो उसे बेचेगा कितने में 117 रुपये बेचेगा। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है मेरे पास में कितना 5 रुपये का, बट अंतर है कितने का, एग्जामिनर कह रहा है अंतर कितने का आपका 5.75 का है। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू बन जाए, तो 5 × 5 और 2 × 5 = 25, यानी 1.15 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई तो यही वैल्यू होगी। इससे डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 115 रुपीज़ में अगर वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।